जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एंड ए रिजल्ट 2023 के बारे में, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रही है। तो इसके बारे में मेरे पास एक लेटेस्ट अपडेट है, आपको बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट इस महीने के किस डेट में आने वाला है। इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि आपके मन में ये डाउट रहता है कि यार क्या पता हमारा सिलेक्शन हो या फिर न हो, तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जब रिजल्ट आता है डीआरडीओ का किसी भी एग्जाम का, तो वेबसाइट डाउन चले जाती है, और वो भी कम से कम 2 से 3 दिन तक। तो ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका रिजल्ट चेक करके दूं? आपको उसके लिए कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है, ये मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप मेरे द्वारा अपना रिजल्ट चेक करा सके, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो आप वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी अच्छा लगता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट एंड जॉब के जो नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया बेस पर वो लेकर के आता रहूं। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो गाइस, यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहीं पर मैं आपको रिजल्ट का लिंक भी अपडेट करूंगा, जो कि अभी एक्टिव नहीं हुआ है। अभी यहां पर हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि इसके बारे में आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। मार्च में आपका एग्जाम हुआ था। तो गाइस, मैं यहां पर आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 15 अप्रैल के बाद आने वाला है। 15 अप्रैल में आपका 16 अप्रैल या 17 अप्रैल हो सकता है, बट 15 अप्रैल के बाद आना आपका रिजल्ट फिक्स है, क्योंकि डीआरडीओ एक महीने से ज्यादा वक्त नहीं लेता है किसी भी एग्जाम का रिजल्ट नॉर्मली जारी करने में। तो इसलिए यहां पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने यहां पर कॉल किया था, तो उन्होंने एक जो रफ आंसर दिया, क्योंकि वो डेट नहीं बताते, वो ये कह देते कि इस डेट के बाद आ जाएगा या उस डेट के बाद आ जाएगा। तो मैंने जब उनसे इंसिस्ट किया तो मैंने कहा कि सर कुछ तो बताइए, तो फिर उन्होंने बोला कि 15 अप्रैल के बाद आपका जो रिजल्ट है डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एंड ए का, वो आपका आ जाएगा। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड अब गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की, और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी, एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। हाँ, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर कॉल कनेक्ट होता है, कितनी बार ट्राई करते हैं तो कई बार में जा करके उठाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकालना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था और काफ़ी टाइम भी लिया, बट मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके साथ में शेयर की कि आपका 15 अप्रैल के बाद ये वाला रिजल्ट आने वाला है, जो कि आपकी 1061 पोस्ट है इसका। अब ये तो हुई आपकी रिजल्ट डेट के बारे में जानकारी। अब आपका जब रिजल्ट आता है या आप रिजल्ट आने के बारे में इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, तो आप थोड़ा शोक हो जाते हैं या फिर आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार क्या पता हमारा नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो गाइज, यहां पर एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें जैसा कि आपने अभी प्रीवियस रिजल्ट देखे थे डीआरडीओ सेप्टम 10 के, जो कि ए एंड ए कैटेगरी के नहीं थे, नॉर्मल थे, उनमें आपकी हायर कट ऑफ रही थी। तो ऐसे में यहां पर जो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाली है जनरल यानी कि यूआर के लिए 92+। जी हां, ये काफी हायर मैं रख रहा हूं, क्योंकि इसमें गाइज इससे भी हायर जा सकती है, इसलिए मैं यहां पर 92+ कट ऑफ रख रहा हूं। इसी के साथ जो यहां पर ओबीसी कैटेगरी है, इनकी जो कट ऑफ रहेगी मेरे अकॉर्डिंग वो आपकी 85+ रहेगी। एंड इसके अलावा बात करें आपकी एससी एसटी कैटेगरी की, तो एससी एसटी कैटेगरी की 80+ यहां पर रहने वाली है कट ऑफ। जी हां, आपने सही सुना, इसमें भी आपकी काफी हायर कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पोस्ट काफी कम थी और सभी पोस्ट पर अच्छी संख्या में लोगों ने फॉर्म को भरा है और अच्छी संख्या में जो कैंडिडेट है उन्होंने एग्जाम को दिया है। तो ऐसे में ये वाली कट ऑफ जानी नॉर्मल है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये नॉर्मल है। इससे हायर अगर आप जाएंगे तो आप जब आपका रिजल्ट आएगा वहां पर आप चौंक
लोग जाएंगे कि यार हाँ ये तो सर ने सही कहा था कि इतनी हायर कट ऑफ गई है। अभी आप ये भी आपके ओपिनियन है वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी आप वहाँ पर कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कि यार मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरी ओपिनियन है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ और प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी अपनी जो ओपिनियन है इस बारे में वो रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है इसकी, ये नॉर्मली सभी पोस्ट पर सेम सी रहेगी क्योंकि 1-2% का ही फर्क आएगा। अगर मैं आपको एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा और उसमें कोई इतना अंतर होगा भी नहीं। अभी ये तो हुई आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी। अब गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि जब रिजल्ट जारी होता है तो वेबसाइट डाउन रहती है कम से कम 2-3 दिन, तो ऐसे में अगर आप चाहते कि मैं आपका रिजल्ट चेक करके दूँ जैसे रिजल्ट जारी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आपको ओपन करना है और इसमें आपको कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नेम के अंदर आपका नाम देना है, ईमेल के अंदर आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप का नंबर देना है क्योंकि यहीं पर आपको आपके रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट है या फिर पीडीएफ है वो सेंड किया जाएगा। मैसेज में आपको यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, तीसरी चीज आपको ये देनी है कि आपने किस पर अप्लाई किया था यानी कि कौन सी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था ये भी आपको बताना है, और फोर्थ चीज आपको यहाँ पर लिखनी है डीआरडीओ ए रिजल्ट 2023 क्योंकि मेरे पास काफी सारे एग्जाम के रिजल्ट चेक कराने की, आंसर की चेक कराने की, एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने की रिक्वेस्ट आती रहती है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा है कि किस चीज की इन्फॉर्मेशन है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा और आपका रिजल्ट चेक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था वो, और साथ ही डीआरडीओ ए रिजल्ट 2023 यहाँ पर लिखना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो रिजल्ट चेक करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपसे जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी डीआरडीओ रिजल्ट 2023 के बारे में ऑफिशियल एंड पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।